दोस्तों आप सभी को राम राम। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल बड़ा दिन होने वाला है। कल उसी तरीके का कुछ दिन होने वाला है जिसमें देखिएगा 1 जून को लास्ट देखिएगा आपने एग्जिट पोल के नतीजे देखे और फिर आपको 3 जून को बड़ा मोमेंटम देखने को मिला और 4 जून को बड़ा शॉक देखने को मिला। तो कल कुछ ऐसा ही दिन होने वाला है। पहले बात करेंगे ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, क्या ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट के फेवर में है। जिस तरीके से 4 जून के बाद 5 जून को स्टॉक मार्केट भागा, फिर 6 जून को भागा, फिर 7 जून को भागा, क्या ऐसा ही कंटिन्यू रिएक्शन कल भी देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है निफ्टी ने काफ़ी बड़ी रिकवरी दी है 1000 पॉइंट की, 800 पॉइंट की एटलीस्ट आफ्टर 4th June। तो कल बड़ा दिन है निफ्टी के लिए भी, निफ्टी बैंक के लिए भी। तो पहले जानेंगे कौन से ट्रिगर हैं ग्लोबल जो बहुत निगेटिव हैं और उसके बाद कौन सा एक ट्रिगर है जो बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम है। तो एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा जो ट्रिगर है वो आपका अपने आप में गिफ्ट निफ्टी है। अब आपको पता है कि गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो आपको पता है 8 जून को 2:20 पर आपको देखने को मिली है सुबह, और तब तक ये इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी के साथ आ चुकी थी कि पीएम मोदी हमारे देखेगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं 3rd term के। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अब तक क्या स्थिति है आप देख सकते हो यहाँ पे। करेंटली ये माना जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिफ्ट निफ्टी अगर यही ओपनिंग होती है गिफ्ट निफ्टी की तो निफ्टी फ्लैट या निगेटिव ओपन हो सकता है। बट यहाँ पे अभी मैंने कहा ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेगा। अभी तक की सिचुएशन गिफ्ट निफ्टी में तो पॉजिटिव नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी सिचुएशन है आप समझ सकते हो डोजोन्स में बड़ी गिरावट देखने मिली। चूंकि यहाँ पे जो जॉब का डेटा आया वो बहुत ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेड आया और फेड अगले हफ्ते ही आने वाला है और फेड बड़ी कमेंट्री करेगा अकॉर्डिंग टू द डेटा, इसलिए डोजोन्स में भी काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर अगर आप बात करते हो नैसडैक की तो यहाँ पे भी बड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। चूँकि ऊपर के लेवल से अगर आप मानेंगे तो नेगेटिविटी आपको ज़्यादा लगेगी, अगर आप सोचेंगे कि ऐसे 40 पॉइंट मानेंगे तो कम लगेगी। चूंकि यहाँ पे हाई बना था 229 का और लो बना था 090 तक का, तो आप समझ सकते हो ये इम्पैक्ट काफ़ी पड़ेगा ग्लोबली। और जैसे ही डेटा आया था तो बॉन्ड मार्केट शूट अप हो गया था 10 ईयर का अमेरिका का, 30 ईयर का, 2 ईयर का विद इन अ डे बहुत बड़ी तेजी थी, 3% से ज़्यादा बड़ी तेजी थी, जिसका इम्पैक्ट आपको अगले हफ्ते भी अमेरिका के स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आपने देखा कि यूरो जोन में भी देखेगा काफ़ी तेज़ी से बॉन्ड मार्केट जंप होता हुआ देखने मिला है, शूट अप होता हुआ देखने मिला है, जबकि यहाँ पे रेट कट की बात हो रही है ना कि रेट हाइक की। फिर अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो ये भी टोटली निगेटिव है, कुछ क्रिप्टो करेंसी तो 3% तक गिर चुके हैं जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से भी कोई पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पे खड़ी है, क्लोज होते होते इसने काफ़ी बड़ा लो लगा दिया जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। अब अगर इसमें आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट कल बड़ी रिकवरी आ जाती है ओपनिंग पे तो स्टॉक मार्केट टोटली पॉजिटिव रिएक्शन देगा। अगर यहीं पर ओपनिंग होती है, इससे ज़्यादा ओपनिंग होती है, इससे बड़ा लो बनता है तो स्टॉक मार्केट प्रॉफिट बुकिंग भी दे सकता है। अब आगे बात करते हैं, बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली है गोल्ड में, गोल्ड क्रैश हुआ है, सिल्वर टोटल क्रैश हुआ है 6%, और अगर आप देखेंगे कॉपर में भी बड़ा क्रैश देखने मिला है, क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल तो पहले से ही नीचे हैं। तो ऐसे में ये जो क्रैश हुआ है सिल्वर और गोल्ड में, इसका इम्पैक्ट अभी तक स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ा है, चूँकि हमारा स्टॉक मार्केट टोटल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, तो इसका भी इम्पैक्ट अगले मंडे को आपको देखेगा यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी देखने मिलेगा। बाकी तो आपको पता ही है
कि जो भी जितने भी मार्केट बंद हुए थे वो निगेटिव ही बंद हुए थे हमारा स्टॉक मार्केट छोड़ के। तो अब सबसे बड़ी जो ट्रिगर है मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा कि बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर चुकी है और अब देखिएगा आप देख सकते हैं कितने सीटों का समर्थन हुआ है, ये बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और वही सरकार कंटिन्यू कर रही है जो पिछले 10 साल से, ये बड़ा ट्रिगर है। तो अगर निगेटिव या फ्लैट होते हैं ओपन तो इससे बड़ा ट्रिगर नहीं होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, कितना जा सकता है डजंट मैटर लेकिन जा सकता है। और ये निफ्टी बैंक 50,000 का लेवल अगर तोड़ता है तो 50,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में कल, अकॉर्डिंग टू दिस कि मार्केट कितना इंपॉर्टेंट ले रहा है एनडीए गवर्नमेंट को, कितना पॉजिटिव ले रहा है। अगर ज़्यादा नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है, 310 सीटों के ऊपर का समर्थन नहीं मिला तो हो सकता है मार्केट उतना खुश ना हो, कम खुश हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनडीए गवर्नमेंट को कितना स्टेबलाइज देख रहा है मार्केट, ये कल की ओपनिंग बताएगी। और जिस डायरेक्शन में फ्लो आएगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो बड़ा फ्लो आएगा। पॉजिटिव आता है तो अगर मान लीजिए 23,380 का लेवल टूटता है तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अगर 23 देखेगा 175 का लेवल टूटता है या 23,100 का लेवल टूटता है तो बड़ा निगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम निफ्टी बैंक के लिए भी है, तो इसलिए प्रिपेयर्ड रहना है, कल जो भी मोमेंटम है वो बड़ा आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।